इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी वेबिनार की दैनिक श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो IFPH द्वारा आयोजित हिंदी दैनिक वेबिनार की श्रृंखला का आज 538वां सेशन है। और आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, काफी सीनियर और स्पेशल फेमस होम्योपैथ हैं लखनऊ के, डॉक्टर गिरीश गुप्ता। मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता का हार्दिक स्वागत करती हूँ IFPH के इस फोरम में। और सर का इंट्रोडक्शन तो मैं क्या दे सकती हूँ, ये खुद ही अपने आप में एक इंट्रोडक्शन है। सर ने काफी सारे रिसर्च पेपर्स और केस प्रेजेंटेशंस दी हैं अलग अलग टॉपिक पे, स्पेशली स्किन डिजीजेस और एलोपेशिया, किडनी डिजीजेस। और मैंने भी कई बार पर्सनली सर के वेबिनार और सेमिनार अटेंड किए, बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन होते हैं। और फिलहाल सर जो है लखनऊ में अपना क्लिनिक और रिसर्च सेंटर चला रहे हैं जिसका नाम है गौरांग क्लिनिक एंड होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर। छोटा सा और मैं एक इंट्रो दूंगी जिसमें सर के बहुत सारे अवार्ड्स और प्राइजेस भी हैं। डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने 3 बुक्स भी लिखी हैं, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन गायनोकोलॉजी, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल होम्योपैथी। और फिलहाल डॉक्टर गिरीश गुप्ता प्रेसिडेंट भी हैं होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन, जो एक एनजीओ है, और इंटरनेशनल प्रेजेंट एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग, और एडवाइजरी एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, यानी कि IJRH, जो CCRH का हमारा मेडिकल जो होम्योपैथी का जर्नल है उसके सर एडवाइजरी बोर्ड में भी है। तो आज का जो सेशन है डॉक्टर गिरीश गुप्ता का वो है एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी से कैसे हम प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, यानी प्रोस्टेट का जो ग्रोथ हो जाता है उसमें कैसे होम्योपैथी हमारे को विद एविडेंस बेस्ड सर केस और हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। तो वेलकम सर, और आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नेहा फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। आप हमें सुन सकते हैं? हाँ जी सर, सर ओके स्क्रीन भी ओके दिख रहा है, आपका प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है सर। हाँ जी, ओके ओके सो थैंक यू डॉक्टर नेहा कक्कड़ फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द लर्नेड ऑडियंस एंड फ्रेटर्निटी ऑफ होम्योपैथ्स। डॉक्टर सानी साहब और मुझे डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी भी दिख रहे हैं, एंड जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को गिरीश गुप्ता जी का नमस्कार। मैं टॉपिक पे आता हूँ। आज का टॉपिक दोस्तों बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसको हम लोग BHP या BPH नाम से भी जानते हैं। दिस इज ए बेनाइन कंडीशन ऑफ एजेड पीपल। यूजुअली प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया स्टार्ट आफ्टर द एज ऑफ 40, बट मेनी टाइम्स 50-60 के बीच में हाइपरप्लेजिया शुरू होता है, और 60 के बाद तो दिस इज ए रूल कि सभी में करीब करीब हो ही जाता है। तो इसी टॉपिक पे, इस पे जो मैंने काम किया है लास्ट 30 ईयर्स में, वो मैं कुछ शेयर करूंगा आपसे। जो भी वर्क मैंने किया, जैसे डॉक्टर नेहा ने बताया, वी हैव एस्टैब्लिश्ड ए रिसर्च सेंटर इन प्राइवेट सेक्टर, गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च। ये लखनऊ में कपूरथला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे स्थित है। डॉक्टर आनंद जानते हैं, सानी साहब भी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ये हमारी टीम है। वैसे तो मेरी टीम के मेंबर्स बदलते रहते हैं, लेकिन जो मेरी प्रेजेंट टीम है, माई सेल्फ, देन डॉक्टर नवीन गुप्ता, डॉक्टर दिलीप पांडे, गौरांग गुप्ता इज माई सन, डॉक्टर तनिमा कनौडिया एंड अशिता, ये हमारी टीम है, जो कि हमारे वर्क को, ये डिवीजन है और वर्क को हमारे ये सब बहुत अच्छी तरीके से संचालित करते हैं। केस टेकिंग, रिपोर्टराइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, फॉलो अप, ये सारे लोग मिल के करते हैं। तो ये उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने रखना बहुत जरूरी है।
ये हमारी रिसर्च सेंटर की जो लेटेस्ट बिल्डिंग है, जिसमें मैं 2005 से इसमें वर्क कर रहा हूँ। इसमें दो तीन फ्लोर में हमारा काम होता है, क्लिनिकल वर्क, रिसर्च वर्क, एक्सपेरिमेंटल वर्क, एंड इसमें पैथोलॉजी भी है, फिजियोथेरेपी है, एंड रिसेंटली वी हैव इंट्रोड्यूस्ड साइकोलॉजी, काउंसलिंग, ऑडियो थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑल्सो बाई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये लेट अस टॉक अबाउट नॉर्मल प्रोस्टेट। नॉर्मल प्रोस्टेट, ये जैसा मैंने बताया कि ये वॉलनट शेप होता है, और जहां से यूरिनरी ब्लैडर, जहां से यूरिथ्रा निकलता है, वो इनिशियल यूरिथ्रा जो है, इट पियर्सेस द प्रोस्टेट एंड इट कम्स इन द पीनियल पार्ट, एंड इससे यूरिन फ्लो करता है। सो दूसरे स्लाइड में आप देखेंगे, जब बीपीएस हो जाता है, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफिड हो जाता है, तो इट कॉजेज कंप्रेशन इन द यूरिथ्रा, लीडिंग टू यूरिथ्रल ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। उसी से सिम्टम आने लगते हैं। तो जो इसके सिम्टम्स होते हैं, वो ऑफन बहुत जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ता है, वेकिंग अप टू गो इन द एट नाइट, अर्जेंसी, वीक स्ट्रीम स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग, स्ट्रेनिंग, इनकम्प्लीट इम्पिंग। इसको शॉर्ट में कहते हैं फ्रिक्वेंसी, हेजिटेंसी एंड अर्जेंसी। दीज आर द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट, जैसा कि आप थियोरिटिकली देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन प्रोस्टेट की। नॉर्मली प्रोस्टेट का जो वेट होता है नॉर्मल, वो 12 से 20 ग्राम होता है, 12 to 20 ग्राम। इसके ऊपर जब प्रोस्टेट बढ़ने लगता है, तो इसको ग्रेडेशन हम लोग कहते हैं। ग्रेड वन होता है 21 से 30 ग्राम, ग्रेड टू होता है 31 से 40 ग्राम, ग्रेड थ्री होता है 41 से 50 ग्राम, और 51 ग्राम के ऊपर ग्रेड फोर कहलाता है, जो कि सीवियर यानी प्रोस्टेटोमेगैली कहते हैं, ह्यूज प्रोस्टेटोमेगैली अगर 50 ग्राम के ऊपर जाता है। और जो यूरिन इसमें रुकता है ब्लैडर में, यूजुअली नील होना चाहिए, लेकिन अप टू 60 ml अगर यूरिन रुकता है, जिसे कहते हैं PVRU, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं आते, बट 60 ml को जब क्रॉस करता है, तब फिर ये बढ़ने लगता है। दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसको TURP कहते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, दिस इज सर्जिकल प्रोसीजर डन बाय यूरोलॉजिस्ट। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को तो इस सर्जरी से और TURP से मरीजों को बचाना, ये हमारा उद्देश्य होता है। आप फिर उस पर इशारा कर दीजिए। मैं स्ट्रेट अवे आई विल बी प्रेजेंटिंग तीन मॉडल केसेस में आपको दिखाऊंगा, जिनमें कि प्रोस्टेट की किस तरह से प्रॉब्लम लेके मरीज आया और हम लोगों ने किस तरह से डील किया। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ए वेरी प्रैक्टिकल एंड डिमॉन्स्ट्रेबल केसेज ऑफ बीपीएच। ये केस नंबर वन, दिस इज केस ऑफ प्रोस्टेटोमेगैली ग्रेड थ्री, एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन में इसमें बढ़ा हुआ था PSA। एज वी नो, दिस इज ए कैंसर मार्कर, ऑल्दो PSA बढ़ना इज नॉट ऑलवेज कैंसर इंडिकेशन ऑफ कैंसर, बट यूजुअली वी सस्पेक्ट ऑफ कैंसर इफ प्रोस्टेट स्पेसिफिक इंटीजन इज मोर देन 4 nanogram, एंड दिस केस वॉज हैविंग फैटी लिवर ऑल्सो। सो कमिंग टू द सिम्टम्स, मिस्टर CLV, एज ऑफ 66 ईयर, केम ऑन 19th अप्रैल 2024, रिसेंट केस। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेड थ्री प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट वी रेज PSA, क्रॉनिक सिस्टाइटिस एंड ग्रेड टू फैटी इनफिल्ट्रेशन डिटेक्टेड इन अल्ट्रासाउंड, डेटेड 8th फेब्रुअरी 2024। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, नॉर्मल 10 to 15 डे टाइम एंड 3 to 4 times एट नाइट, विथ अर्जेंसी, हेजिटेंसी, पुअर फ्लो, इंटरप्टेड स्ट्रीम, नॉट गेट डन फीलिंग, स्प्लिट स्ट्रीम, बर्निंग ड्यूरिंग मैचुरेशन एंड ड्रिबलिंग एट टाइम। आप देखिए, वेरी वेरी क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट एंड सीवियर सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया।
past history, he had a seizure disorder and UTI. Treatment history was that he was on allopathic medicines known as Silofast, Drucal, Dovitra, Visin Plus, Vimin, I mean cesium, then as advised by allopathic doctors. But he was not benefited. This is the initial ultrasound in which prostate is enlarged. You will see the measurement and the volume is 64 cc. 64 cc is usually grade 4. But ultrasonologist ne isme grade 3 likha tha. So that is why I am repeating the same thing. Bladder wall thick. Agar aap dekhenge, urinary bladder wall is thickened. And he was that because of cystitis. Liver enlarged, grade 2 fatty liver. आपके राइट साइड में आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड की ओरिजिनल रिपोर्ट लगी हुई. इसमें मरीज का नाम हम लोग छिपा देते हैं बिकॉज ऑफ प्राइवेसी. नेक्स्ट प्लीज. पीएसए वाज आल्सो इंक्रीज्ड 8.4. एनएफटी वाज विद इन नॉर्मल लिमिट. ये पीएसए आप देखेंगे ओरिजिनल रिपोर्ट लगी हुई है 8.4. इसको इसकी वजह से डॉक्टर्स ने इनसे कहा यू शुड गो फॉर बायोप्सी एंड अर्जेंट सर्जरी. So patient was not agreeing because of the age and he wanted to avoid surgery and came to us. Next please. Now coming to the life space. Hum log homeopathy mein, it is not prostate which we are treating, but a person having BPH. This is a basic principle of homeopathy. So let us see the life space. He was an agriculture, wo krishi karte the. He was a farmer. He was very particular about everything and got irritated over trivial matter. Bahut irritation and anxious. Wo rehte choti choti baat ko lekar ke. He was under tremendous stress due to seizure disorder, which he had since 2016. Wanted to be in company of someone due to anxiety that what would happen if this epilepsy attack occurred when he was alone. वो हमेशा उनको चिंता रहती थी इस एज में कि टॉयलेट जाते थे सोते थे तो हमेशा सोचते थे मेरे साथ कोई अटेंडेंट हो कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कम से कम मुझे कोई हॉस्पिटलाइज कर सके मेरी केयर कर सके. वो 24 घंटे 365 दिन इनको ये बात की चिंता रहती थी. तो इनके अंदर एंग्जाइटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट. नेक्स्ट. ही रिमेंड सैड हैड परसिस्टेंट निगेटिव थिंकिंग anticipating anxiety about the cancer that he might breathe his last due to this incurable disease. एक तो epilepsy, fatty liver, prostate and increased PSA. इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा anxious है. He got angered easily and tendency to weep and felt better by consolation. He was having some anxious dreams also, not very particular dream. The thirst was increased and had dryness of mouth. वो थोड़ी थोड़ी देर में उनको पानी पीने का मन करता था बिकॉज ऑफ परहैप्स एंजाइटी. सो वी टुक आउट दीज रूब्रिक्स आउट ऑफ द लॉन्ग हिस्ट्री. एलिमेंट फ्रॉम एंटीसिपेशन एंगर डिजली सैडनेस पेसिमिज्म एंजाइटी अबाउट ट्राइफिल्स एंजाइटी व्हेन अलोन डिजायर फॉर कंपनी एंग्जियस ड्रीम्स. अगर आप सारे सिम्टम को देखेंगे इट वॉज रिपर्टराइज थ्रू the software, home patch, and out of these medicines, I mean rubrics, आप देखिए टॉप पे जो दवाएं आती आर्सेनिक नेट्रम्योर पल्सेटिला, these were the medicines. So and justification of rubric was we selected arsenic because आप ailment from anticipation, he was very pessimistic, anxiety about trifles. Anxiety when alone, persistent thought, fear of death, fear of incurable disease, dryness of mouth, increased thirst. इन सारे सिम्टम को लेने के बाद द चॉइस वाइज बिटवीन नेट्रम्योर एंड आर्सेनिक बट वी प्रेफर्ड आर्सेनिक बिकॉज ऑफ मोर फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स. सो वी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट ऑन 19th April 2024 रिसेंटली जस्ट 4 months बैक. Arsenic twice daily and Sebal Ceruleta being a very, very good specific drug for prostate. He told me that he was having
taking Sabal already prescribed by some homeopathic doctors. He was on other medicines also. So I told him, you continue Sabal Sarulata only and stop all homeopathic medicines. And he continued anti-epileptic treatment of homeopathy, allopathy. That is what we suggested. So the main drug was arsenic alba, and we continued Sabal Sarulata also. So arsenic 30 twice daily. He reported on 25th May. So his symptoms were a little reduced. So same prescription was repeated. He showed further improvement when he visited us in June. And on 27th August, he was clinically much, much better. Dryness of mouth decreased, fear of death decreased, anxiety decreased, anticipatory anxiety decreased. And he was fastidious also, so that was confirming the arsenic. So clinically, he was much better. So we suggested to go for a repeat ultrasound. This ultrasound with which he came to us, you see, prostate enlarged is still, but earlier the weight was 64, and here it came down to 34 gram. See the marked reduction of prostatic hyperplasia. Median lobe still was in, if you see, look at the bladder, the median lobe is ko, bladder ko press kar raha hai. Wall thick and irregular, cystitis is still there. Liver mein hepatomegaly aaya, and the fatty changes started coming down. So it showed lot of improvement, but post-void urine was 240. That was creating a little panic in his mind. Next. This is the PSA. PSA came down. It was earlier 8 something, and it came down to 2.9. So that this report gave him lot of relief, mental and physically also. He was quite happy that at least he is now out of danger of cancer of prostate. Next, please. So this is the latest improved case, and the treatment is still continued. Abhi, a couple of days back, he visited us again. And if you see, the earlier weight was 64. On 8th February, we started treatment in April. And within a couple of weeks, it came down to 34. So his status was improved. Next, please. The treatment is still continued. And he saved from surgery. And he's not only surgery, but he's saved from becoming a cancer patient of prostate because PSA came down. And there is no other drug in any other system of medicine which can reduce PSA like this, as has happened in homeopathy. Now, presenting a second case. This is prostatomegaly grade 2 and chronic kidney disease. This is again a complicated picture. Next, please. Mr. RCS, again an aged person, 67-year-old, hypertensive male, came to us on 11th July for treatment of CRF, which was detected in May 22. He reported of having polyuria, flatulence, heaviness in chest, breathlessness, etc. He was advised ultrasonography of abdomen. Blood pressure was high, and earlier he underwent surgery for hydrocele, and he also suffered brain stroke. Look at this. This is grade 2 prostate hyperplasia. This is the original ultrasound in front of you. Iska weight jo hai prostate ka 38.8, meaning thereby about 39 gram. And this is grade 2 prostate hyperplasia. Blood urea was 64, creatinine was 2.5. This was a challenging case and typical case of uronephrology. So he was under treatment of a urologist as well as nephrologist before coming to us for homeopathic treatment. This is the original ultrasound in front of you. Next, please. The case was taken in detail. So utne detail mein na ja karke, I'm coming to the rubrics. He was having tendency to anger easily, and he used to suppress desire for company, disposition to contradict, har baat ko contradict karna, egotism,
but he was optimistic. He was dictatorial by nature, not better by consolation. Whenever you consoling the doctor, so he used to say, "Hey doctor, don't tell me. हमें ऐसा ना समझाइए, मेरी मुझे बचाइए किसी तरह से." वो समझने को नहीं तैयार होते थे, तो डिक्टेटोरियल. लेकिन जब उनको डांट टपट कर दीजिए तो तुरंत तो दब जाते थे, नहीं नहीं ठीक है साहब मैं करूंगा. इम्पेशेंस एंड एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड, दीज वेर द सिम्टम्स जिसको कि रिपोर्टराइज किया हम लोगों ने विद होम पैथ सॉफ्टवेयर. सो लुक एट दिस डिजायर फॉर कंपनी, डिस्पोजिशन टू कंट्राडिक्ट, इगोइस्टिक, ऑप्टिमिज्म, डिक्टेटोरियल, एग्रेवेशन ऑफ फ्रॉम कंसोलेशन एंड कवर्डाइज. So egotism and cowardice, dictatorial and cowardice are well covered in lycopodium. So justification of prescription for lycopodium is this, जो मैंने red color में rubrics दिए हुए हैं. So we selected lycopodium 30 once a week. आप पहले वाले केस में देखेंगे आर्सेनिक को BD दिया गया because of his too much of anxiety, because PSA was high. तो पिछले केस में आप देखेंगे हमने रिपीटेड डोजेस दिया, कीपिंग इन द व्यू एंग्जाइटी, टू मच ऑफ एंग्जाइटी इन द माइंड, बिकॉज उसको अगर कम नहीं करते तो मरीज इस तरह का रुकने वाला नहीं था, वो भाग जाता, वो कहता कि सर्जरी कर दीजिए कुछ भी. यहाँ पे लाइकोपोडियम क्योंकि सिम्टम्स आर माइल्ड 30 वीकली एंड एज यूजल लोग जितने प्रोस्टेट के लोग आते हैं वो सवाल लेते रहते हैं, कोई नेट में देख करके लेता है या ज्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर सवाल देते हैं. तो यूजुअली व्हाट आई डू कि कॉन्स्टिट्यूशनल दवाओं को जो होम्योपैथी के उनको रोक देते हैं एंड वी स्टार्ट अवर ओन रेमेडी. सो हियर द ड्रग वाज लाइकोपोडियम. 11 जुलाई 22 को ये हमारे पास आए थे. देन नेक्स्ट विजिट वाज इन अगस्त. तो पीडल इडिमा रिड्यूस्ड एंड आपको ताजुब होगा एक ही प्रिस्क्रिप्शन के बाद क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया स्टार्टेड कमिंग डाउन. It came down to 38, creatinine came down to 1.36. So same prescription was repeated. So in the next visit, pedal edema, breathlessness, heaviness in chest further reduced. And the best thing was urine output unka bad gaya. Same prescription. So in August, November 22, the patient was much, much better clinically. So same prescription was repeated for many weeks and अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर आ गया 9 फरवरी 23 को. फिर ये मुझे दिखाया तो सेम प्रिस्क्रिप्शन वाज रिपीटेड लाइकोपोडियम वीकली फॉलोड बाय सेबाल टीडीएस. सो कीपिंग द क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट इन व्यू वी सजेस्टेड अल्ट्रासाउंड जो कि उन्होंने 13 फरवरी 23 को कराया और यू विल सी नॉट ओनली प्रोस्टेट बिकेम नॉर्मल, इट बिकेम होमोजीनियस ऑल्सो. पहले हेट्रोजीनियस था, नॉर्मल इन साइज एंड शेप. प्रोस्टेट आप देखें ग्रीन में जो मैंने सर्किल किया हुआ है, नॉर्मल इन साइज शेप, होमोजीनियस इकोटेक्सचर, ओनली डिस्टेंडेड बाउल लूप्स बिकॉज ऑफ गैसेस. सो प्रोस्टेट बिकेम नॉर्मल ओवरऑल एंड आप ब्लैडर की पिक्चर देखें जो पहले प्रेशर डाल रहा था प्रोस्टेट ब्लैडर पे, नाउ देर इज नो प्रेशर एंड द पेशेंट क्लिनिकली एज वेल एज पैथोलॉजिकली ही इम्प्रूव. नेक्स्ट प्लीज. ये अगर आप कंपेयर करें पहले और सेकेंड में तो वेट वॉज 38.8, इट केम डाउन टू नॉर्मल एंड द पेशेंट वॉज आई मीन एसिम्प्टोमेटिक कीपिंग अबाउट प्रोस्टेट सिम्टम. नेक्स्ट प्लीज. पेशेंट वॉज एडवाइज टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट एंड गेट सीरम यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन रिपीटेड. सो जब नेक्स्ट रिपोर्ट इनकी आती है तो यूरिया केम डाउन टू 35 जो कि 40 के नीचे नॉर्मल है, क्रिएटिनिन बिलो 1 होना चाहिए, 0.9 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन आ गया. तो नॉट ओनली प्रोस्टेट इम्प्रूव, आप देखिए क्रॉनिक किडनी डिजीज जो डेवलप हो रहा था वो भी एक दवा ने हमारी जो कंस्टिट्यूशनल थी सिमिलिमम थी उसने किस तरह से ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन भी डाउन कर दिया. तो ही वॉज सेव फ्रॉम यूरोलॉजिस्ट एज वेल एज नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ही वॉज क्वाइट थैंकफुल टू होम्योपैथी. अब आप मैं आई एम कमिंग टू द स्टेटिस्टिकल क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं तो मैंने अभी 31 अगस्त तक का डेटा निकलवाया अपनी टीम से. तो वी हैव ऑन रिकॉर्ड 897
केसेस, आप इसको रफली 900 केस मान लीजिए, जिनका कि हमारे पास फॉलो अप डेटा एंड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ केसेस मौजूद है। सो इनको जब मैंने स्टडी कराया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रही है, तो उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स हैव बीन रिसीव्ड इन 579 केसेस। ये ग्रेड वन से ग्रेड फोर तक के प्रोस्टेट के केसेस हैं। सो द परसेंटेज ऑफ रिकवरी इज अबाउट 64.5, यानी 65% केसेज में हम लोगों ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उनको रिलीफ दिया, और जिनमें प्रोस्टेट श्रिंक होने लगता है फ्रॉम ग्रेड 4 to 3, 3 to 1, 1 to 0। एंड आउट ऑफ देम अगर इसका ब्रेकअप देखें पॉजिटिव रिस्पॉन्स का, सो जिनमें प्रोस्टेट बिल्कुल नॉर्मल आ गया बिलो 20 ग्राम, दीज आर 185 केसेज जो मेरे रिकॉर्ड में शो हो रहा है, और इट्स अबाउट 20%। एंड जिनमें रिग्रेशन हुआ, प्रोस्टेट का वेट कम हो रहा है एंड ग्रेड आई मीन ग्रेड कम हो गया, वेट कम हो गया, उसका मेजरमेंट कम हो गया, तो 43.9 मीन 44% केसेस। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 65% केसेस में हम लोगों ने पेशेंट्स को सर्जरी से बचाया और उनको सिम्टम फ्री किया जिनमें प्रोस्टेट नॉर्मल आ गया। तो दिस इज ए वेरी ह्यूज डेटा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने जो पेपर पब्लिश किए हैं और इसके बेसिस पे मुझे प्रोजेक्ट मिली थी, और मैं उसी बात पे अभी आता हूँ, और आप अप्रिशिएट करेंगे कि प्रोस्टेट प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में नथिंग कैन मैच होम्योपैथी कंपेयर टू अदर सिस्टम्स। इसी हमारे वर्क को देखते हुए, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट इन 94, सो ए कोलेबोरेटिव स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाई सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन 2006, जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में काम करती थी उस समय 2006 में। दिस प्रोजेक्ट वाज गिवन टू होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन लखनऊ, जिसका कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैंने इस फाउंडेशन को 2004 में स्टैब्लिश किया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हिच दिस फाउंडेशन गॉट फ्रॉम CCRH व्हिच वाज वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। तो ये अगस्त 2006 से और सितंबर 2009 तक ये प्रोजेक्ट रन की थी, जिसमें कि रिजल्ट्स वेर वेरी वेरी एनकरेजिंग एट दैट टाइम। प्रोफेसर चतुर्भुज नायक, नेक्स्ट, चतुर्भुज नायक वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ CCRH। ही केम टू लखनऊ, ही इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी विद द रिस्पांस। अभी मैं आपको बाद में एक केस, जो लास्ट में केस दिखाऊंगा, तीसरा केस, दिस केस हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाई CCRH इन 2006। एक केस था, मिस्टर आरवी, ए 64-year-old मेल, केम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्सुरिशन, इंटरप्टेड स्ट्रीम, पुअर फ्लो विद अर्जेंसी एंड नॉट डिड, पेशाब जाने के बाद उसको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि मेरा यूरिन पूरी तरह से क्लियर हो गया है। ये 5-6 साल से ही वॉज सफरिंग, तो ही वॉज रजिस्टर्ड फॉर स्क्रीनिंग इन दिस प्रोजेक्ट। क्लिनिकल फाइंडिंग, ही वॉज हाइपरटेंसिव 140/90, पल्स रेट 80 per minute, वेट वॉज 66 ग्राम। फैमिली हिस्ट्री, फादर डाइड ऑफ हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 54, मदर एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 40, क्वाइट अर्ली, सिस्टर एज ऑफ 49। नेक्स्ट, ये मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट का किस तरह से हम लोग प्रोस्टेट इस सिम्टम की स्कोरिंग करते हैं। दिस चार्ट इज नोन एज IPSS, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर। ये WHO द्वारा डिजाइंड है, जिसको कि CCRH ने इसको अपने प्रोटोकॉल में लिया था। सो जब पेशेंट की स्क्रीनिंग होती थी, तो वी यूज टू, माई जूनियर डॉक्टर्स एंड सीनियर रिसर्च फेलो यूज टू फिल अप दिस IPSS स्कोर। AUA कहते हैं, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन, ये दोनों का एक ज्वाइंट ये एक चार्ट बनाया गया, जिसको कि CCRH के प्रोजेक्ट में यूटिलाइज किया गया। तो जो सिम्टम आप देखेंगे, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, फ्रीक्वेंसी, इंटरमिटेंसी, अर्जेंसी, वीक स्ट्रीम, स्ट्रेनिंग, नॉक्ट्यूरिया, मतलब रात को पेशाब ज्यादा जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट में मोर देन हाफ द टाइम तो इसमें सीवियर सिम्टम्स थे, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, तो 4-4। और ये जो एक चीज इसमें छिप रही है,
इसमें जो क्या होता है कि जो 7 सिम्टम्स जो सर्किल किए गए हैं आपको विजिबल होंगे, तो इनको जब आप कंबाइन करेंगे, सम अप करेंगे, तो सिम्टम स्कोर वाज 28, व्हिच इज हाईली सिम्टोमेटिक। और टोटल इसका जो स्कोर होता है 35 होता है मैक्सिमम। तो 35 हाईएस्ट स्कोर में ही वाज एट 28, इनका जो सिम्टम स्कोर था आईपीएसएस का। आप नीचे बॉटम लाइन में देखेंगे 1 to 7 अगर है तो माइल्ड सिम्टोमेटिक, 8 to 19 है तो मॉडरेटली सिम्टोमेटिक, 20 से 35 है सीवियरली सिम्टोमेटिक। तो ए पेशेंट वॉज हैविंग सीवियर सिम्टोमेटिक कंडीशन। सो इसमें जो 28 जो आईपीएसएस स्कोर था इस पे हम लोगों ने इसको केस को रजिस्टर किया। नेक्स्ट प्लीज, दिस इज ओरिजिनल अल्ट्रासाउंड, ये 2006 की रिपोर्ट है। आप इसमें देखेंगे ग्रेड 2 प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, 38 ग्राम वॉज द प्रोस्टेट। थोड़ा पुराना हो गया केस। फिजिकल एग्जामिनेशन वॉज डन बाई यूरो सर्जन, उस समय डॉक्टर सलील टंडन जो कि नॉन यूरोलॉजिस्ट है लखनऊ के, ही वॉज ए कंसल्टेंट। तो ही यूज टू डू डीआरई, दैट इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। वो हमारे क्लिनिक में आते थे, पेशेंट्स को एग्जामिन करते थे। ही वॉज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। तो प्रोस्टेट वॉज ए स्मूथ फर्म इलास्टिक नॉर्मल बट एनलार्ज प्रोस्टेट। देन अल्ट्रासाउंड वॉज डन, पहले आईपीएसएस स्कोर, देन यूरोलॉजिकल ओपिनियन, देन इनिशियल अल्ट्रासाउंड। द प्रोस्टेट वॉज 38 ग्राम और छोटा सा स्टोन भी था। ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन पीएसए वॉज नॉर्मल, यूरिन में 1 से 2 पस सेल थे, नॉट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट प्लीज, दिस इज यूरोफ्लोमेट्री। ये हमारी चूंकि प्रोजेक्ट थी गवर्नमेंट की, इसमें बहुत सारे स्ट्रांग प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते थे। तो आप देखेंगे डॉक्टर सलील टंडन की रिपोर्ट है जिसमें कि सीवियर आप जो यूरोफ्लोमेट्री में सिम्टम आप देखेंगे, तो इसके ग्राफ आप देखें, वॉइडेड वॉल्यूम वॉज 273, मैक्सिमम फ्लो रेट 10 ml/s, एवरेज फ्लो रेट 6.1 per s, वॉइडिंग टाइम 52 सेकेंड, फ्लो टाइम 44.8 सेकेंड एंड टाइम टू मैक्सिमम फ्लो 12.8। ये बहुत सारे पैरामीटर हैं जो यूरोलॉजी यूरोफ्लोमेट्री में हमको मिलते हैं। तो पेशेंट वाज हाईली सिम्टोमेटिक। नाउ द केस वाज रजिस्टर्ड एंड हमारे जूनियर डॉक्टर्स ने हिस्ट्री लिया। पेशेंट वाज द एल्डर सन इन द फैमिली एंड हैड सिस्टर सफर कट रहा है सफर फ्रॉम नॉक्टुरनल एन्यूरेसिस इन चाइल्डहुड। आप इसको देख लें, स्कूलिंग स्टार्टेड एज ऑफ 6, ही वाज इन गवर्नमेंट सर्विस एंड ही हैड ए मैरिटल गुड मैरिटल लाइफ विद स्मॉल फैमिली एंड द ओनली सन 43 ईयर ऑफ एज। नेक्स्ट प्लीज, मेंटल जनरल्स, दिस इज मोर सिस्टमेटिक कंपेयर टू द फर्स्ट टू केसेस। ड्रीम्स वेर रिलीजियस, इनको धार्मिक सपने बहुत आते थे। ड्रीम फॉलिंग फ्रॉम हाइट, कहते थे ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, अक्सर इनको ड्रीम्स आते थे। फियर लॉस ऑफ पोजिशन इन गवर्नमेंट, डिजायर फॉर कंपनी, अम्यूनेशन फ्रॉम कंसोलेशन, एंगर इजिली, एंगर फ्रॉम कंट्राडिक्शन, टेम्परामेंट ऑफेंडेड इजिली, मेमोरी में फर्क बहुत भूलते थे। फिजिकल जनरल, लाइकिंग फॉर स्वीट्स, थर्स्ट 7 to 8 ग्लासेस, परस्पिरेशन एडिक्वेट, थर्मल हॉट, हीट ऑफ पाम एंड सोल, ये हाथ पैर जलते थे। यूरिन वॉज जो अनसेटिस्फैक्ट्री अर्जेंसी फीबल स्ट्रिंग। ये काफी मेथोडिकल इसके हिस्ट्री उसमें प्रोजेक्ट मिली जाती है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज, सिम्टम। अच्छा नाउ जो टोटल सिम्टम है इनको जब रिपर्टराइज किया गया, ये रूब्रिक्स लिए गए, ड्रीम्स रिलीजियस, ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट, लॉस ऑफ पोजिशन। आप इनको देखेंगे कुछ पर्टिकुलर सिम्टम भी लिए गए ब्लैडर के। नेक्स्ट, ये सॉफ्टवेयर कोई होमपैथ से हम लोग यूज करते हैं। एंड द ड्रग्स आर सल्फर पल्सेटिला फास्फोरस, सो द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वी सिलेक्टेड सल्फर बिकॉज ऑफ ड्रीम्स रिलीजियस एंड जन लाइकिंग फॉर स्वीट्स, हीट पाम एंड सोल, हीट आई मीन ऑल द सिम्टम्स वेयर क्लासिकली इंडिकेटिव ऑफ सल्फर। सो वी स्टार्टेड
with sulfur in 30 potency, and it, later potency was raised. So वो मैं chronological order को time कम रहेगा उसको मैं छोड़ रहा हूँ. जब treatment देने के 3 महीने के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड आया तो ग्रेड 1 प्रोस्टेट ग्रेड 2 से ग्रेड 1 आ गया एंड द वेट वाज 38, इट केम डाउन टू 28 ग्राम. 10 ग्राम का रिडक्शन प्रोस्टेट में सल्फर देने के बाद ट्रीटमेंट में आ गया. नेक्स्ट देन ये नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड है जिसमें कि ग्रेड 1 है बिकॉज 31 से 21st तो 30 ग्राम के बीच में ग्रेड 1 होता है. सो फर्दर देयर वाज रिडक्शन ऑफ प्रोस्टेट. आप देखिए सिंगल ड्रग यहाँ पे हम लोगों ने सवाल यूज नहीं किया बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल ऑफ CCRH. यहाँ पे सिंगल रेमेडी का रिस्पॉन्स आप देखें ओनली बाय सल्फर ग्रेड 1 प्रोस्टेट 28 से 23 आ गया. नेक्स्ट एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि यूरोफ्लोमेट्री में अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे वॉइडेड वॉल्यूम 240 मैक्सिमम फ्लो रेट इंक्रीज्ड 11 ml वाइडिंग टाइम डिक्रीज जो टाइम बहुत ज्यादा लेते थे वाइडिंग में फ्लो टाइम डिक्रीज. सो अल्टीमेटली पेशेंट शोड इंप्रूवमेंट इन यूरोफ्लोमेट्री ऑल्सो. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज अ फॉलो अप IPSS स्कोर आफ्टर ट्रीटमेंट. पहले इट वॉज सीवियरली सिम्टोमेटिक सब ग्रेड 4 पे आ रहे हैं. यहाँ आप देखेंगे 0 0 0 और कुछ सिम्टम जो कि मॉडरेट है 1 1 1 तो द टोटल सिम्टम स्कोर इज 3 ओनली. पहले 28 था बीच के यूरोफ्लोमेट्री मैंने हटा दिया है. आई एम शोइंग यू फर्स्ट एंड द लास्ट एंड आप यू विल बी ग्लैड टू नो दैट फ्रॉम सीवियरली सिम्टोमेटिक केस इट केम डाउन टू माइल्ड सिम्टोमेटिक वेरी माइल्ड सिम्टोमेटिक. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज ए क्रोनोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन. इसको बहुत डिटेल में बताने में बहुत टाइम लग जाएगा. सल्फर 30 देन प्लेसबो 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 देन सल्फर 30 रिपीटेड फिर इंप्रूवमेंट रुक गया तो सल्फर 200 देन प्लेसबो प्लेसबो सल्फर 200 प्लेसबो प्लेसबो एंड आप देखेंगे 38 ग्राम से 28 ग्राम आ गया एंड 23 ग्राम आ गया एंड जो PVRU है इट केम ऑल्सो डाउन टू 11 CC. नेक्स्ट प्लीज. नाउ कमिंग टू द पब्लिकेशन. आपको ताजुब होगा दिस वॉज द फर्स्ट पेपर ऑन प्रोस्टेट एवर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड. ये कब छपा था 1994 में एशियन होम्योपैथिक जर्नल. दिस वॉज पब्लिश बाय एशियन होम्योपैथी होम्योपैथ आई मीन AHML एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग एंड बाय द वे आई हैपन टू बी द एडिटर ऑफ दिस. आप देखेंगे इस पेपर में तो दिस टाइटल वॉज अल्ट्रासोनोग्राफिक असेसमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया केसेस इन रिस्पॉन्स टू होम्योपैथिक ड्रग्स. सो दिस वॉज द फर्स्ट एवर पेपर ऑन BPH दैट वॉज पब्लिश एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड इसको मैंने मलेशिया में इसमें नीचे बॉटम लाइन में देखेंगे इट वॉज प्रेजेंटेड इन 13 नेशनल होम्योपैथिक कांग्रेस held in Kota Baru that is Malaysia in November 93 और 94 में मैंने इसको पब्लिश किया था. फिर इसी पेपर को हमने बांग्लादेश में भी प्रेजेंट किया था जनवरी 94 में. नेक्स्ट जो हमारा पेपर जो CCRH का जो वर्क था दिस वॉज पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड जर्नल दैट इज इंडियन जर्नल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी. इट वॉज पब्लिश्ड इन 2010 बिकॉज 2006 से 8 तक ये प्रोजेक्ट चली थी. इसको पब्लिश करने में हमें 1 साल से ज्यादा लग गया. इट वॉज एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल स्टडी टू असेस यूजफुलनेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन पेशेंट्स ऑफ BPH. द को ऑथर्स वेयर माइसेल्फ डॉक्टर JP सिंह जो है HDRI के उस समय इंचार्ज थे डॉक्टर सलील टंडन ही इज यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष सिंह वॉज SRF प्रोफेसर नायक ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ CCRH डॉक्टर हरि सिंह ही वॉज रिसर्च ऑफिसर एट दैट टाइम परहैप्स असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर रविंदर डॉक्टर नायर. डॉक्टर नायर यू नो ही इज नाउ अटैच इन होम्योपैथिक कमीशन आई मीन नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी एन CH में आज मौजूद है डॉक्टर नायर ऑल्सो एंड डॉक्टर प्रवीण ओबेराय
हु हैज रिसेंटली रिटायर्ड। सो हमारी इतनी बड़ी टीम ने यह काम किया था, बट काम जो हुआ था हमारी रिसर्च फाउंडेशन से गौरांग क्लिनिक में हुआ था। सो दिस वॉज द फर्स्ट सेकेंड पेपर पब्लिश इन ए पीयर रिव्यू जर्नल इन एनी जर्नल इन द वर्ल्ड। दिस वॉज अगेन पब्लिश इन अमेरिकन जर्नल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बिकॉज आई हैपन टू बी देयर इन अमेरिका। 2011 में मैं गया था, वेन आई प्रेजेंटेड अ फ्यू केसेज ओवर देयर, तो जो वहाँ के इस जर्नल के जो एडिटोरियल टीम थे, दे आस्क्ड मी टू कंट्रीब्यूट द सेम पेपर विद सम चेंजेस एंड दे वेर वेरी ग्लैड टू एक्सेप्ट दिस पेपर। इट वॉज पब्लिश इन अमेरिकन जर्नल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ऑलमोस्ट द सेम पेपर, सेम विद द परमिशन, ड्यू परमिशन ऑफ एडिटर ऑफ आई जे आर एच एट दैट टाइम। सो फॉरेन में एक छपा, एक इंडिया में आई जे आर एच में छपा। नेक्स्ट प्लीज। देन अगेन हमने हमने जो गौरांग क्लिनिक में बहुत सारा काम किया था, इसको फिर मैंने पब्लिश किया 2016 में। इट वॉज एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल स्टडी टू असेस यूजफुलनेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन पेशेंट्स ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। सो दिस वॉज अगेन पब्लिश इन आई जी आर एच। दिस इज ए पीयर रिव्यू जर्नल। नेक्स्ट प्लीज। सो विद दिस आई केम टू द एंड ऑफ माई वर्क ऑन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। काम बहुत सारा है, बहुत सारा है, और करीब 900 केस का डेटा जो मेरे पास अभी मौजूद है, उसका जब मैं अभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूंगा, और वी आर प्लानिंग टू रीपब्लिश द अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस ह्यूज वर्क ऑन बीपीएच, दैट विल बी ए आई ओपनर टू नॉट ओनली टू होम्योपैथिक डॉक्टर्स बट ऑल्सो to the known urologist of India and abroad. So उम्मीद है कि ये जो हमारा वर्क है ये लोगों का अटेंशन ड्रा करेगा और होम्योपैथिक डॉक्टरों में आत्मविश्वास भरेगा कि किस तरह से ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर के केसेस प्रोस्टेट के होम्योपैथिक ड्रग से वो नीचे श्रिंक हो सकते हैं, हाइपरप्लेजिया कम हो सकता है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकती है एंड उनको हम सर्जरी से बचा सकते हैं। अगर 50 से 60% केसेस भी हम सर्जरी से बचा ले जाते हैं तो ये ऐसे बुजुर्गों के लिए एक वरदान साबित होगी। होम्योपैथी वरदान साबित हो रही है लेकिन और फर्दर वरदान साबित हो सकती है अगर हम लोग मिलजुल के काम करें और पूरे देश में डेटा कलेक्शन करें, एविडेंस कलेक्ट करें, अल्ट्रासोनोग्राफी, PSA एंड जितने भी रीनल प्रोफाइल होता है, यूरोफ्लोमेट्री होता है, DRE सर्जन से कराएं, तो जो मेन पैरामीटर्स हैं अगर उस पर हम लोग काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है। और इस तरह से अगर हम लोग और पार्टिसिपेट करेंगे तो इसको रिकग्निशन मिलने में बहुत आसान हो जाएगा। जब मुझे ये मैं बताना शेयर करना चाहूंगा, जब CCRS से प्रोजेक्ट मिलना था तो कई कमेटी से पास होने के बाद जब ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया तो डॉक्टर नायक को उन्होंने बुलाया एंड ही टोल्ड कि भाई ये तो सर्जिकल कंडीशन है, कैसे ठीक हो सकता है। तो डॉक्टर नायक साहब से उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई पब्लिश्ड वर्क हो तो हमें दिखाइए। तो फॉर्चुनेटली डॉक्टर नायक साहब ने CCRH में देखा तो जो पेपर उनको मिला वो बाय द वे मेरा ही था, और उन्होंने जाके वो प्रेजेंट किया ज्वाइंट सेक्रेटरी को। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाँ इस पर काम हो चुका है, रिजल्ट्स आर वेरी गुड, उन्होंने साइन कर दिया एंड आई गॉट दैट प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में करीब 20 लाख रुपए फंडिंग हुई थी जिसमें हम लोगों का काफी पैसा बच गया था, वो हमने CCRH को वापस कर दिया। बट जो वर्क हो गया था प्रोस्टेट का, उसके बाद से लोगों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया और काउंसिल को भी, सब हमारे अधिकारी थे उनको बहुत खुशी हुई कि इस तरह से अगर काम किया जाए तो होम्योपैथी को एक साइंटिफिक मेनस्ट्रीम में हम ला सकते हैं। तो प्रोस्टेट के मरीजों को आप कॉन्फिडेंटली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन विद माई फोल्डेड हैंड्स आई वुड लाइक टू से कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए, PSA कराइए, जितने पैरामीटर्स हैं, रीनल प्रोफाइल कराइए, यूरोप्लोमेट्री कराइए, पैरामीटर्स को लेने के बाद देन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आप उनकी हिस्ट्री लीजिए, जनरल फिजिकल जनरल मेंटल सिम्टम लेने के बाद दवा का सिलेक्शन करिए। और यहाँ पे भी क्लासिकल होम्योपैथी काम करती है, नॉन क्लासिकल भी करती, कई बार मल्टीपल दवाएं भी देने के बाद भी इम्प्रूवमेंट आता है और सिंगल ड्रग से भी इम्प्रूवमेंट आया। इस प्रोजेक्ट में हमारे CCRH में काम करने के बाद मुझे ये लगा कि हम लोग सिंगल सिंगल ड्रग इन ए वेरी लो पोटेंसी
फॉलोड बाय प्लेसिबो से भी हम लोग मरीज को ठीक कर सकते हैं। जो हम लोग कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में एसिड फास्ट देते हैं, कई बार कोनियम देते हैं, कई बार थूजा देते हैं, तो क्लासिकल नॉन क्लासिकल दोनों तरह से हम लोग होम्योपैथिक ड्रग से प्रोस्टेट के केसेस को डील कर सकते हैं। बट जरूरत है एविडेंस जुटाने की, डॉक्यूमेंटेशन करने की और डेटा बनाने की। जिस दिन हमारे पास, किसी के पास 150 केसेस हो जाएंगे और उस डेटा को हम लोग कंपाइल करके पब्लिश करेंगे जर्नल में, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और उसको साइंटिफिक रिकॉग्निशन मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर नेहा जी का जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, डॉक्टर सानी साहब जो मुझे इस तरह मौका देते रहते हैं हमें अपने वर्क को सबके सामने लाने के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ। और इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी को मैं बधाई देता हूँ कि सालों से आपकी जो ये श्रृंखला चली आ रही है सफलतापूर्वक, वो बहुत ही मतलब अभिनंदनीय है। इसके लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर गिरी जी। सच में ये जो आपने रिसर्च ओरिएंटेड और हर एक सब्जेक्ट पर जब भी आते हैं तो एक नया लोगों में मोटिवेट होता है कैसे रिसर्च में आना चाहिए और किया जा सकता है होम्योपैथी के अंदर में। और अलग अलग दवाइयों से आपने जो प्रोस्टेट वास्तव में बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है और अधिकांश लोग जो है तो इसको नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है 3 केस के माध्यम से तो जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीपीटी को थोड़ा सा हटवा दीजिए सर, हो गया है। जी हाँ ओके सर, तो किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, सबके पास समय है। अभी 10 मिनट है। हाँ अभी 10 मिनट 10-13 मिनट है। सभी थैंक यू बोल रहे हैं, डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव, डॉक्टर जगदीश, डॉक्टर आमिर इकबाल, सभी थैंक यू फॉर वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। सर आप न्यू कमर्स को क्या मैसेज दे सकते हैं इस एविडेंस बेस्ड रिसर्च करने के लिए? न्यू कमर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे प्रोफेशंस में अभी रिसर्च ओरिएंटेशन नहीं आया है, क्योंकि आप रिसर्च में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो न्यू कमर्स के लिए आप कोई मैसेज दीजिए कैसे वो हाँ लोग इसमें इन्वॉल्व हो, क्या करना चाहिए उनको? डॉक्टर साहब, मैं हमेशा इस बात पे जोर देता रहा हूं कि होम्योपैथी में क्लिनिकल एविडेंस की कमी है। अभी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होम्योपैथी में खड़े होते रहते हैं। सो जब तक हम लोग विद क्लिनिकल एविडेंस एंड साइंटिफिक एविडेंस के साथ नहीं आएंगे, तो तब तक हमको रिकग्निशन नहीं मिलेगी जो डिजायर्ड है होम्योपैथी में। क्योंकि ट्रीटमेंट सभी करते हैं और सबको रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, किसी को ज्यादा मिलते हैं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जिसको कि बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन उन रिजल्ट्स को हम किस तरह प्रेजेंट करें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर मैं बताना चाहूंगा, अभी आपके पास टाइम है, जब 94 में मैंने पब्लिश किया ये, आप सोचिए 1994 में। सो एक यहाँ प्रोफेसर हरिश्चंद्रा थे, हु वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी इन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ अखबार में न्यूज दी गई, लोगों ने बताया कि साहब गिरीश गुप्ता ने प्रोस्टेट पे काम किया। तो जब वो पब्लिश हुआ तो डॉक्टर चंद्रा का मेरे पास फोन आया। अब कहने लगे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपने प्रोस्टेट में क्लेम किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज प्रोस्टेट बढ़ जाता है वो कैसे ठीक होगा? तो साहब उन्होंने मुझे कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जहाँ बताइए मैं आ जाऊँ। सो उन्होंने क्लार्कवज होटल 5 स्टार यहाँ पे उसमें बुलाया, चाय पिलाई मुझे और काफी बातचीत किया। उन्होंने कहा दिखाइए, तो मैंने सब उनको दिखाया एविडेंसेस। सो कहने लगे कि आपने ठीक है अल्ट्रासाउंड में दिखा दिया कि रिडक्शन हो रहा है, बट आपने यूरोप्लोमेट्री नहीं कराया, डीआरई नहीं कराया। तो जो जो उस थीम में उसमें कमियां थी उन्होंने मुझे बताई। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको मैं ट्राई करूंगा, बिकॉज अभी तक हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस होता था कि हाँ मरीज को ठीक हो गया, अगर कैथेटर लगा हुआ, दवा दिया, कैथेटर निकल गया, यूरिन होने लगा। मैंने पहली बार कोशिश किया कि अल्ट्रासोनोग्राफिकली इसको एसेस किया जाए।
तो सर पहला पेपर मेरा 100 केसेस के ऊपर बेस्ड था, उसमें ग्रेड 1, 2, 3, 4, उसमें जो हाईएस्ट एक केस मैंने, वो बेचारे मरहूम है इस समय, मूलचंद गर्ग उनका नाम था, मुझे याद है, उनका केस 85 ग्राम था वेट प्रोस्टेट का, ट्रीटमेंट के बाद 35 ग्राम आ गया। मुझे बड़ा इंकरेजमेंट हुआ, अरे ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो मैंने 100 केसेज में अल्ट्रासोनोग्राफिकली शो किया कि वेट कम होता है, लेकिन उन्होंने 100 कमियां निकाली। उन्होंने कहा आपने यूरोफ्लोमेट्री नहीं लिया, आपने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं कराया, आपने पीएसए नहीं कराया, आपने रीनल प्रोफाइल नहीं कराया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको मैं कराऊंगा। बहरहाल वो बड़े क्रिटिकल पॉइंट से आए थे, लेकिन वो अप्रिशिएट करते करते, एडमायर करते करते चले गए। उन्होंने मौका दिया, मैं और काम करता गया और उसको पब्लिश किया, और भी कुछ कुछ पेपर मेरे पब्लिश हुए। बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर नायक साहब जब डीजी बने, तो उस समय डायरेक्टर थे, बाद में डीजी बने, तो इनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा सर हमने प्रोस्टेट पे इस तरह काम किया है, तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू सबमिट ए प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट सबमिट किया 2005 में, तो रिसर्च फाउंडेशन मेरी नई नई बनी थी, तो उसमें बहुत सारी कमियां निकाली गई। 1 साल मुझे लग गया पूरा प्रोसेस करने में। इसी तरह से वो साइंटिफिक एडवाइजरी ने पास किया, फिर गवर्निंग बॉडी में गया, फाइनेंस कमेटी में गया, और ज्वाइंट सेक्रेटरी में फंस गया। अगर मैंने रिसर्च वर्क पब्लिश नहीं किया होता तो वो प्रोजेक्ट मुझे रिजेक्ट हो जाती, नहीं मिलने वाली थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रीवियस एफर्ट्स एंड पब्लिश्ड वर्क, डॉक्टर प्रोफेसर नायक साहब ने वो प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवा लिया और मुझे यहाँ पे दिया। ही केम डाउन टू लखनऊ, ही इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट। ये मुझे याद है सितंबर 2006 में उसका इनॉग्रेशन हुआ था। आपको ताजुब होगा, उसमें कई यूरोलॉजिस्ट थे, नेफ्रोलॉजिस्ट थे, कई एलोपैथिक डॉक्टर थे, दे वर वेरी हैप्पी। उस समय डॉक्टर एसी सक्सेना साहब जो डायरेक्टर होम्योपैथी थे वो भी मौजूद थे, डायरेक्टर उस समय नहीं थे, रिटायर हो चुके थे, उन्होंने बड़ा ब्लेसिंग दिया। जब हमने उस प्रोजेक्ट में काम किया तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हमारी सिंगल सिंगल ड्रग प्रोस्टेट को कम कर सकती, प्रोवाइडेड इट इज सिमिलिमम और वो इंडिकेटेड हो। अदरवाइज प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता है, अभी भी हमको कई बार करना पड़ता है। कोई कहता सवाल ले रहा हूँ, कोई कहता कि दूसरी कोई दवा ले रहा हूँ, कैंथरिस ले रहा हूँ, कोई थूजा लेता है, कोई कोनियम लेता है, एसिड पास अभी भी मैं कई बार यूज करता हूँ। लेकिन वो सब बातें सेकेंडरी हैं, क्लासिकल नॉन क्लासिकल। अगर हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस आ जाता है कि अगर अल्ट्रासाउंड में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इससे भी इम्प्रूवमेंट। अब आप देखिए एक केस जो कि कैंसर में जाते जाते बच गया विद होम्योपैथी आर्सेनिक से, दूसरा केस जिसमें एक सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो रहा, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, हमने सिर्फ क्या किया, एविडेंस जुटाया। अब वो एविडेंस सामने रखने के बाद उसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश होने के बाद वो जब चीज प्रोफेशन में आती है तो उसके रिकग्निशन बढ़ जाती। और आपको मैं खुशखबरी देने वाला हूँ कि जैसे अभी आपने डॉक्टर नेहा ने बताया कि 3 किताबें मेरी आई, एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी, गायनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल होम्योपैथी। चौथी किताब मैंने दिमाग में एक बना रखी है कि वी आर वेरी शॉर्टली गोइंग टू वर्क ऑन माई वर्क ऑन एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी इन यूरोलॉजी। चौथी किताब पे मैंने काम करना शुरू कर दिया, अपनी टीम को लगा दिया। उस यूरोलॉजी वाली किताब में मैं किडनी स्टोन्स को लूंगा, प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया लूंगा, इंक्रीज पीएसए की स्टडी, मैंने केस स्टडी किया है जिसमें 100 से ज्यादा केसेस मारे सिर्फ पीएसए, जिनमें पीएसए बढ़ा हुआ था और दवा से कम आ गया, वो स्टडी में सब इंक्लूड करूंगा। एंड वेरी सोन अगर भग ईश्वर ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर हम एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी इन यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी पे भी लाने वाले हैं। ये मैंने अपना एक संकल्प ले लिया है, बाकी ईश्वर और डॉक्टर हनीमैन की इच्छा होगी तो मैं इसको पूरा करूंगा और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने बताया। एक सवाल लोगों ने किया है, डॉक्टर दीपक शर्मा, उन्होंने जी पूछा इफ द प्रोस्टेटोमिगैली विथ ब्लड इन यूरिन व्हाट इज द रेमेडी। ये फिर वो सवाल तो थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आप इनको जवाब दीजिए। ये तो क्लिनिकल हो गया। अब अगर हिमेचूरिया है तो हिमेचूरिया इज जस्ट जस्ट सिम्टम, देयर कुड बी सम पॉलिप इन द ब्लैडर, देयर कुड बी ट्यूमर इन द ब्लैडर, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा इन द ब्लैडर, इट कुड बी क्रॉनिक नेफ्राइटिस, इट कुड बी पाइलोनेफ्राइटिस। तो क्वेश्चन है कि हम इतनी बेसिस पे कि सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है
तो ब्लीडिंग के दवा कोई भी आप दे सकते हैं, फास्फोरस दे सकते हैं, फ्लैश दे सकते हैं, मेलिफोलियम दे सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका कॉज ढूंढ लेंगे, अगर वो किडनी से हो रहा है तो उसमें टेरिबिल था थी, एक केस हमने ठीक किया था जिसमें कि बिल्कुल रेड यूरिन हो रहा था, विदाउट गोइंग इनटू डायग्नोसिस इनिशियली वो पता लगा कि उसको क्रॉनिक रीनल फेल्योर था एंड देवर डैमेज इन नेफ्रॉन्स, सो उसमें टेरिबिन से वो केस रिस्पॉन्ड कर गया एंड आज भी वो धन्यवाद देते हैं। लेकिन सर सिर्फ सिम्टम के बेसिस पर ट्रीटमेंट करना ठीक नहीं है, अगर हिमेचोरिया है तो वी मस्ट इन्वेस्टिगेट, अल्ट्रासाउंड कराइए, सिस्टोस्कोपी कराइए, अगर पता लग जाए कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रीट। टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स तो होना जरूरी है जी, टोटैलिटी बहुत जरूरी होता है, जब तक होम्योपैथिक हम नहीं का। लेंगे तब तक वो फिर हम लोग वही जो स्पेसिफिक दवाएं हैं वही देते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित एक रहना है वो जी लेना जरूरी है। जी बहुत अच्छा सर। और एक डॉक्टर आमिर इकबाल हैं, इन्होंने सवाल किया है रिसर्च पेपर से कैसे जुड़े और पढ़ाए पढ़े पढ़ने के लिए अरे और देखिए जुड़ने के रिसर्च, लिए कैसे करने करें ये ये मैंने शेयर किया है, इसे आप निकाल सकते हैं या मेरे ईमेल पे आप लिख दें तो जो पेपर आप चाहेंगे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। एक बात और है सर, आपकी किताब भी है जी जो कि रिसर्च और पेपर जितने आपके पब्लिश हुए हैं उसका हाँ इन्फॉर्मेशन इन लोग को दे दे तो शायद वो भी बहुत अच्छा गाइडलाइंस का काम करेगा, क्योंकि मैं उस हाँ किताब हूँ और उसको देख बहुत अच्छा उसका ये अति है। हाँ तो हाँ एक उसका लिंक बता दीजिए, लोग लें तो हाँ अच्छा रहेगा जी। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी वेबसाइट, जरा तीनों किताबें लो, वेबसाइट है gccchr.com, gccchr.com, इस पे अगर आप जाएंगे तीनों सो उसमें हमारी वेबसाइट में हमारी किताबों का डिटेल मिल जाएगा। मैं आपको ये बाय द वे हमारे पास है, ये पहली किताब है एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी इन गायनेकोलॉजी, ये दूसरी बुक है एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी इन डर्माटोलॉजी एंड तीसरी बुक है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल होम्योपैथी, ये तीनों किताबें इसमें बहुत सारे केसेस, बहुत सारे पेपर हैं, बहुत एक्सपेरिमेंटल सारे वाले पेपर पेपर्स हैं देखा है सर, ये अमेजॉन पे बहुत भी, अमेजॉन पे भी अवेलेबल है, अमेजॉन पे है, या आप हमें लिख सकते हैं जिसको किताब की इंटरेस्ट हो वो हमसे ले सकते हैं, स्किन डिजीज पे और गायनेकोलॉजी पे इस तरह की कोई किताब है ही नहीं हमारे प्रोफेशन में जिसने एविडेंस के साथ कोई बुक पब्लिश किया हो। सो थियोरेटिकल बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम उस अपने होम्योपैथिक प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद, केसेस को ट्रीट करने के बाद डॉक्यूमेंट करते हैं तो दैट इज मोर इफेक्टिव एंड वेरी असर्टिव एंड कंफर्मेटरी। तो जिनको, जिन हमारे फ्रेंड्स को चाहिए दे कैन राइट टू मी और दे कैन विजिट gccchr.com, गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च का शॉर्ट फॉर्म gccchr.com। सर मैंने आपका वेब एड्रेस टाइप कर दिया है चैट बॉक्स में, जिसको भी करना हो तो वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उसमें पब्लिकेशन में आ जाएगा, अदरवाइज अमेजॉन पे भी अवेलेबल। और नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के डॉक्टर सानी साहब, मेरी इच्छा है अगर ईश्वर ने जिंदगी दे रखा है और सब दिमाग और सब बढ़िया काम करता रहेगा तो नेक्स्ट ईयर 2025 में वो मैं किताब लाने को, मैं आज मैंने आपके सामने रिवील कर दिया, इस पे काम हमने शुरू कर दिया। सर एक सवाल और किए हैं लोगों ने, सबेल सेरुलेटा क्यों और इक्विस्टियम हाइलम का क्या रोल हो सकता है इसमें दवा के साथ में? सबाल सेरुलेटा इज ए वेरी गुड ड्रग फॉर प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेटिक टॉनिक होता है और ज्यादातर लोग लेते रहते हैं, जो हमारे पास मरीज आते हैं कई बार उनको मैंने मना भी किया तो कहते हैं मैं तो ले रहा हूँ, जब हमसे बात कहते हैं मैं तो सवाल लेता रहता हूँ, तो मैंने कहा जब आप लेते ही रहते हैं तो मैं भी देता हूँ, लेकिन हमारी जो प्रोस्टेट की जो प्रोजेक्ट आई थी वो 20 दवाओं में था, उसमें सवाल को इंक्लूड ही नहीं किया गया बिकॉज दैट वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप द पेशेंट, जैसे सल्फर से रिस्पॉन्ड किया है, कोई सोच नहीं सकता सल्फर से प्रोस्टेट ठीक हो सकता है, लेकिन अगर सिम्टम थे सल्फर के तो काम किया। सवाल मैं यूजुअली इस्तेमाल करता हूँ, दूसरा और कोई अटेंशन इसमें मैं इंडिकेट नहीं होता है, कई बार यूटीआई के केसेस होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं तो कैंथरिस क्यू
या 35-30 में हम लोग यूज करते हैं प्रोस्टेट के साथ। और कंफ्लिक्ट क्या होगा? एक डॉक्टर एके यादव पूछ रहे हैं, कंफ्लिक्ट क्या होगा? जी कॉन्फ्लिक्ट इसमें कुछ है? कॉन्फ्लिक्ट से क्या कहना चाहते हैं यादव जी? मैं समझ नहीं पाया। हाँ, मैं भी नहीं समझा क्या कहना चाहते हैं ये डॉक्टर यादव। आप क्या कहना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? डॉक्टर यादव, कैन यू स्पीक और टाइप ऑन द चैट बॉक्स? कोई बात नहीं, हमसे हमारी मेल पे आप हमसे हाँ, बात कर सकते आप इसके विषय में डॉक्टर साहब, ये जो वेबसाइट है यहाँ से सर का आप सवाल करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। और सर, हम लोग का समय भी पूरा हो गया। एक बात मैं हैं। जानकारी दे दूँ, डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी हम लोग के साथ में फिर इंग्लिश से, हम लोग का जो 1500 दिन पूरा हो रहा है, तो उसमें जो हम लोग का जो सीरीज है उसमें ये डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और साथ ही डॉक्टर चतुर्भुज नायक भी 8 तारीख को जुड़ रहे हैं। ओ और वेरी गुड, हाँ, डॉक्टर चतुर्भुज नायक ने भी 8 तारीख के लिए अपना समय दिया है। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पर बहुत सारे स्टेलवर्ट्स को लेकर के आ रहे हैं। डॉक्टर सुभाष सिंह भी आ रहे हैं और फॉरेन ओ से भी काफी लोग आ रहे हैं। डॉक्टर एके गुप्ता भी जुड़ रहे हैं, तो काफी लोग अभी इसमें ज्वाइन किया। आज मैं वीके गुप्ता से भी बात किया, लेकिन बोले कि मेरी तबीयत अभी बहुत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाता। तो उन्होंने थोड़ा सा अपना खाली बोला गुड विशेष है, लेकिन मैं भाग नहीं रहा। इसके साथ हम लोग का सेशन समाप्त होता है। डॉक्टर नेहा कक्कड़ जी, आप डॉक्टर अंजलि जी अभी ज्वाइन कर चुकी हैं, इनको हैंड ओवर करेंगे और सर को थैंक्स भी देंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने वंडरफुल सेशन के लिए। और आगे भी हमें आप इसी तरह इंस्पायर करते रहिए और अपने केसेस प्रेजेंट करते रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के साथ हमेशा मैं साथ हूं। हाँ जी सर, हाँ धन्यवाद सर। तो अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम खत्म हो गया, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी मलियकल को।